मैं इस वक्त जहाँ हूँ आप देख सकते हैं पीछे भैंस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आप वो चीज़ें, और लेकिन ये शहीद जो कि हैं नितिन कुमार जी का घर है, और देखिए मेरे साथ स्माइल करते हुए माता जी हैं। और माता जी सुबह 4 बजे, अभी आप बताइए 4 बजे, 4 बजे खड़ी हो जाऊँ? हाँ 4 बजे झाड़ू पोछा, हाँ, और अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करनी, हाँ, नितिन के कमरे में धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी जी, उसके लिए चाय पियानी, हाँ दोनों टाइम। मैं एक्चुअली यहाँ पर माता जी को रोकना चाहूँगा, बेटा शहीद हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अपने बेटे को भी सुबह जग करके जब माँ अपने चाय बनाती है ना, खुद पीती हैं, बेटे को भी पिलाती हैं। दुनिया के लिए सब कुछ भले ही ना हो, लेकिन माँ के लिए अभी भी बेटा है क्योंकि मूर्ति लगी हुई है जी। दोनों टाइम खाना भी खवाती हूँ, शाम को भी, सवेरे को भी, जब बाद में खाती हूँ पहले उसको खवाती। देखिए ये होता है ना, हम कहते हैं ना कि जो अमर का क्यों नारा लगता है, क्योंकि अमीर हो चुके हैं, खाना भी दोनों टाइम खाते हैं, तो अपने बेटे के लिए भी वो चीज़ें खाना रखती हैं और सब कुछ है तो है हमारे लिए जी। लोग कहते हैं ना कि हमारे घर नहीं, भाई दिल में आप जब तक जीवित हैं तब तक सब लोग जीवित हैं, और वो चीज़ें हैं उनके घर में। मैं सुबह सुबह अभी 4 बजे निकला था घर से, अभी 5 बज रहे हैं, 5:30-6 बजे, और माता जी के पास हूँ, तो कितनी मतलब खुश हैं। देखिए इनकी और भी एक बेटे हैं, लेकिन बहुएँ वो चीज़ वहाँ हैं, लेकिन ये खुद कहती हैं कि हमारा बेटा बहुत कुछ सिखा करके गया हुआ है, और मैं लड़ाई लड़ती रहती हूँ अपने भी आगे, और एक इनकी सास भी हैं, मतलब ये उनकी भी सेवा, हाँ उनकी भी सेवा पूरा करती हैं। बताइए बालक की तरह वो चीज़ें हैं, यानी लैट्रिन पेशाब करवाना, रोटी पेशाब घेरना जी, और सब काम उनके करने हैं। एक बालक की तरह उनका काम है। बताइए एक उनकी भी देख रेख करना, एक माँ का जिगरा कितना वो चीज़ें चौड़ा होता है। और मैं यहीं पर हेलमेट बैंक के लिए आया हुआ हूँ, जो कि मैं कहाँ पर ये हेलमेट जो उतर रहा है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हेलमेट की अभी सुबह सुबह मैं गाड़ी लेकर के आया हुआ था, और देखिए माता जी कपड़े वपड़े भी धो रही हैं, मशीनों से चला रखी हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि खुश हैं जो भी लाइफ में आपने बाकी, क्योंकि बेटे ने देश के लिए काम किया। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर में अभी हेलमेट अभी रख रहे हैं, ये सारे के सारे ये हेलमेट अभी ये बुलेट थे, ये सारे चीज़ें हो रहे हैं, इसकी सारी चीज़ें लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके गाँव के लिए चीज़ें हेलमेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी से वो हेलमेट उतर रहा है, और ये देखिए जो माता जी को भी सुना, ये नितिन जी के पिताजी हैं वो सारा अच्छे से। आप भी सर नमस्कार एक बार बोल दीजिए जी जी। नाम सर का, सर नाम रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह जी वो चाहिए, तो वो पीछे में देखी जैसे रहे हैं कि आप हेलमेट उतर रहे हैं, और माता जी की मैंने बात सुनाई, कितनी उन्होंने प्यारी बातें कही, और यही मुस्कुराहट है, और ये मुस्कुराहट से मतलब हमें इस पूरे गांव के अंदर तो एक ताकत देनी है सड़क सुरक्षा की और चीज़ें, और भारत को भी मुस्कुराने की आदत देनी है, ताकि हमारा आज़ाद भारत खुशहाल भारत रहे, और यही खुशहाली के लिए हम सुबह सुबह हम आपको ये वीडियो के माध्यम से संदेश जो दे रहे हैं जिस प्रकार, ताकि आप भी ऐसे निकलें और आप जिस धरती पर आए हैं इस भारत के अंदर कुछ करने के लिए, कुछ जज्बा लेकर आप आए हैं, आपका उद्देश्य है, और हर किसी का उद्देश्य होना भी चाहिए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आपके साथ हैं, और आपके परिवार की खुशियों के लिए, ताकि किसी जगह दुर्घटना की ऐसी कुछ ना जाए, दूर दूर तक यमराज को बहुत दूर भगाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमारा भारत मुस्कुराता रहे। जय हिंद।